वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार्टा। हमारे क्वेरी में हमारे से सवाल किया है कि आपने बताया कि सेविंग्स करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करें, इस तरह के काम करें तो आपकी जो इनकम बढ़ेगी, आपकी जो लाइफ है बेहतर होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अब देख रहा हूँ कि अभी जब ये ईद आई है तो लोग तो बहुत ज़्यादा जानवर ले रहे हैं, बहुत दिखावा करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उसको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं इस तरह के ओकेशन के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो आपने जो बताया वो तो बिल्कुल अलग है, तो ये इसकी क्या वजह है, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कि दीन के जो है ना, अगर हमारे दीन में किसी भी लेवल पे नमाज, एक नमाजी है वो अगर दिखलावे पे अतराने पे आ जाए कि भाई मैं नमाजी हूँ, उमरा करने वाला कि मैंने 26 उमरे किए हैं, हज करने का जी 3 हज भी किए हुए हैं, यानी ये अगर इसको एक शील्ड बनाना चाहे यानी अपनी पर्सनैलिटी को या वो करने के लिए, तो ये हमारा दीन बहुत ही खूबसूरत दीन है, वो इसकी बिल्कुल ममानत फरमाता है, ठीक है ना। अच्छा, कुर्बानी में भी यही हो रहा है आम तौर पे। असल में इंसानी नफ्सियात है कि हम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, अच्छा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाना जो है वो क्योंकि सोशल मीडिया और इस तरह है वो अपनी जगह, लेकिन जब बीच में दीन वाला मामला भी आ जाए तो उसमें दिखाने की जो मेयार है कुछ मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने दिखाना ही है तो वो आप उसका मियार ये नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा जानवर ले लिया है, यानी आपने बहुत महंगा ले लिया है, आपने पता नहीं जो नाम रखे हुए हैं, है जी गुल्लू और फलाना। अब आती है कि इसका जो असल में होता है कि जो भी इबादत है ना उसका जो एसेंस है, बुनियादी नुकता है, वो तवज्जो से हट जाता है, ठीक है ना। तो जो हाईलाइट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है जो दीन है ही नहीं, सही ना। तो हम भी ना चाहते हुए वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप ये दीन का मामला तो बिल्कुल दिखावा, इसमें है ही ममानत, तो हमारा जो फोकस है ना वो डाइवर्ट हो जाता है ज़िंदगी में। अगर आपका फोकस ये हो गया ना कि आपने लोगों को कुछ भी दिखाना है मकसद, तो वो आप दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप वो होने बनने में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए फोकस रखें कि वो आपने बनना है, सही है ना। अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। ये जो बड़ा बड़ी कुर्बानियाँ दिखा के चाहते हैं हमारे पास, सर हम अमीर हैं, बेसिकली ये गरीब होते हैं, ये अपना खप्त जो है वो इस तरह मिटाते हैं, दूसरे लोगों को टीज भी करते हैं, वो नहीं समझते कि ये दीन है। दीन में आपको ना जो हम आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालदैन, आप बच्चे, औलाद, माल, जान, सब कुछ आप पे कुर्बान। आपने फरमाया कि अगर फ्रूट भी लेकर के आओ तो उसको किसी कपड़े में लपेट कर लेकर के आओ, और अगर वो खा लो तो छिलके सामने ना फेंको, क्योंकि वो जो हमसाया शायद वो नहीं खा पा रहा तो वो जो है ना उसके लिए अच्छा नहीं है। ये है हमारा दीन। अब अगर इसी नुक्ते के अगर हम अपने दीन को देखें ना, तो हम अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसके अपोजिट जा रहे हैं। मकसद हमारा जो इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसका जो मकसद है उसको ज़िंदा रखना है, और कुर्बानी करनी है दुम्बे की या बैल की, गाय की, ऊँट की, किसी की भी, लेकिन हमारा वो मकसद जो है ना वो किसी और तरफ निकल गया। और हमारा मकसद ये है कि अपनी ज़ात बरादरी जानने वालों को कि हाँ ये रजिस्टर कराना है कि हमने जो है ना ये जानवर दिया है और इतना महंगा जानवर दिया। दूसरी बात ये है कि जिनके पास ऑलरेडी गोश्त है ना, हम उन्हीं को रिप्लेस करते हैं, यानी जिसने कुर्बानी की है हम उसके घर भेज देंगे, वो हमारे घर भेज देगा, मामला वही है। यानी वो मकसद था कि वो गरीब आदमी को भेजेंगे जिसके पास जिसे कुर्बानी नहीं की उसके घर में देना चाहिए, बाकियों को तो देने का क्या फ़ायदा, लोग अपनी फ्रिजें भरेंगे, वो गोश्त ख़राब हो जाएगा या वो खुद ख़राब हो जाएंगे खा के ज़्यादा। तो ये इसको समझने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में मैं हर चीज़ में आप ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि यार इसका मकसद क्या है। मकसद बड़ा, मकसद आला, मकसद ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो, सब बहुत बड़ों की भलाई हो, सही है ना। आपका पैसा है, अल्लाह ने दिया है, उसका शुक्र अदा कीजिए। किसी की मदद कर सकते हैं चुपके से मदद कीजिए, लेकिन दिखावा ना कीजिए, खुदा रा दिखावा ना कीजिए, क्योंकि वो मकसद आपका अगर फौत हो गया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ये ज़िंदगी रोज़ रोज़ नहीं है, थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, इसमें भी हम दिखावा कर करके चले गए तो जो आगे जाके हमने वसूल करने का टाइम होगा वहाँ में मायूसी ना हो। प्रॉपर्टी डिवीज़न का बहुत शुक्रिया।